सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूज चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मधुबन पुलिस को आज उस समय मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी जब किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे एक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार 6 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। बताते चले कि पुलिस ने बिलौली चट्टी पर सूचना पाकर घेरेबंदी कर ली। अपने को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, लेकिन संयोगवश कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। काफी प्रयास के बाद अंत में एसओजी और दो थानों की पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। हालांकि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अभियुक्त चकमा देकर फरार हो गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग बिहार के सिवान जिले का गोठनी थाना क्षेत्र के सोहगरा गाँव में किसी रामाशंकर गुप्ता और उनकी पत्नी की हत्या करने जा रहे थे और उनकी सुपारी इन्होंने 5 लाख मिली थी। ये अंतर्राज्यीय गैंग के तौर पे काम कर रहे थे, इसमें कमलेश हरिजन, ये हमारे थाना मधुबन का रहने वाला है, और रमेश हरिजन, सूरज प्रसाद जो गोपालपुर निवासी थाना मधुबन।